आप सभी साथियों को मेरा राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में, और मैं आप सभी को आज तक का अपडेट देने वाला हूँ कि आज तक इस भर्ती में क्या कंप्लीट हो चुका है, कब तक आपकी भर्ती आ सकती है और अभी प्रेजेंट में इसका क्या स्टेटस है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो अब चलते हैं आपकी भर्ती की तरफ और आप सभी को सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है कि पहले इसमें 25,000, 30,000, 35,000 इस तरीके से यहाँ पे कांस्टेबल के जो पद हैं वो लगातार हमें बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन इन पदों के साथ साथ एक और चीज बढ़ी है, वो है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट, नोटिफिकेशन की डेट, जो कि बार बार आगे एक्सटेंड होती गई है। यानी कि दोनों चीजें पैरेलल आपकी आगे जा रही है, ना तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आ रही है, ना ही वैकेंसी की संख्या थम रही है, लगातार दोनों ही चीजें बढ़ रही है। अगर हम देखें तो रिसेंटली आप सभी को बताया कि लगभग 62,000 से अधिक पदों पर बताया गया था कि यूपी पुलिस में पद रिक्त चल रहे हैं, जिसमें आपके सिपाही के भी पद हैं, दरोगा के भी पद हैं, साथ ही में रेडियो संवर्ग के भी कुछ पद हैं। जिनमें अगर हम सिपाही की बात करें यानी कांस्टेबल के पदों की बात करें तो 52,699 पदों की बात की गई है कि कुल मिलाकर टोटल पदों पर जो भर्ती होगी वो 52,699 होंगे, जो कि अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होगी। लेकिन यहाँ पे जो भर्ती की बात करें तो यहाँ पे सबसे जो मेन चीजें अगर आप देखेंगे तो इसकी जो निविदाएं हैं पिछले लगभग 1.5 साल से जारी की जा रही हैं। हर बार इसके लिए जो आपकी एक एजेंसी हायर करने का जो प्रोसेस होता है उसके लिए निविदाएं जारी की जाती हैं, इसके बाद निरस्त हो जाती हैं और दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 बार ये प्रोसेस रिपीट हो चुका है, लेकिन अब तक कोई भी एजेंसी हायर नहीं हो पाई है। बीच में एक एजेंसी ने अपना इंटरेस्ट भी इसमें दिखाया था, टीसीएस ने, तो ये हुआ कि चलो टीसीएस शायद आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए, लेकिन फिर उसके बाद ये रहता है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए कम से कम 2 एजेंसियों के आवेदन होना जरूरी है और उसमें केवल एक ही एजेंसी ने आवेदन किया था, टीसीएस ने। इसकी वजह से उस निविदाओं को अभी निरस्त कर दिया गया और दोबारा से फिर से निविदाएं जारी होती हैं। तो इस तरीके से फिर एक नई चीज आती है कि एक काम करते हैं कि ये जो आपका एग्जामिनेशन ऑफलाइन होता है इसे हाइब्रिड मोड में करवाया जाता है, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको कंप्यूटर पे दिखाई देगा और साथ ही में ओएमआर सीट आपको ऑफलाइन भरनी होगी, तो इसका भी प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन फाइनली रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल के आता, क्योंकि जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है नकल माफियाओं से निपटने का। चाहे सिपाही की बात करें या दरोगा भर्ती परीक्षा की बात करें, हर बार कहीं ना कहीं तरीके से परीक्षाओं में सेंध लगती है और इससे होता क्या है कि सरकार की बदनामी होती है और कोई भी सरकार नहीं चाहती कि इस तरीके के एलिगेशन गवर्नमेंट के ऊपर लगाए जाएं। तो गवर्नमेंट कोई भी हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, मैटर नहीं करता, लेकिन हर गवर्नमेंट के यही प्रयास रहते हैं कि किसी भी तरीके से साफ और स्वच्छ तरीके से भर्ती कराई जाए, जिससे कि आगे भी हम पे किसी भी तरीके की कोई भी आरोप ना लगे। और फिलहाल की भी प्रेजेंट की भी सेम सिचुएशन यही देखने के लिए मिल रही है कि यहाँ पे कोई भी एजेंसी इंटरेस्ट नहीं ले रही है। उसका रीजन यही है कि आप ये मानो कि अगर भर्ती में नकल होती है, किसी भी तरीके से पेपर आउट होता है या कुछ भी होता है, तो सबसे पहले जो आफत आएगी वो आएगी कंपनी की, एजेंसी की, कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है। इसी की वजह से कोई भी कंपनी हाथ नहीं डाल रही है कि एक एग्जाम की वजह से पता चला कि यहाँ पे यूपी में फिर हम किसी भी एग्जामिनेशन को कंडक्ट ना करा पाए और पता चला कि ब्लैक लिस्टेड वगैरह कर दिया जाए। तो अब तक की अगर सिचुएशन की मैं बात करूं तो अब तक कोई भी आपकी एजेंसी कंफर्म नहीं हुई है जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी। दोबारा से आपकी निविदाएं जारी होंगी, उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी एजेंसी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अब तक अगर किसी भी एजेंसी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है तो भविष्य में वो एजेंसी करें ना करें इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। अब इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है वो आगे देखने वाली बात है, लेकिन अभी तक एट प्रेजेंट टाइम तक आपकी भर्ती यहाँ 1.5 से 2 साल पहले अटकी हुई थी, सेम उसी स्टेज पे आज भी आपकी भर्ती वहीं अटकी हुई है और इसे आगे कुछ भी नहीं बढ़ा है। अगर बढ़ी है तो आपकी डेट, जिसमें आपकी साथ साथ पदों की संख्या भी जरूर बढ़ी है। तो फिलहाल का स्टेटस आपके लिए यही है, कुछ खास बदलाव नहीं आए हैं। दोबारा से निविदाएं जारी होंगी, जब एजेंसी आपकी हायर हो जाएगी तो फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि आप ये मानिए कि अगर एक बार एजेंसी हायर हो गई तो ये बहुत फास्ट ट्रैक तरीके से आपकी भर्ती कंप्लीट होगी, जिसमें बहुत ही कम समय आपको मिलेगा। तो मैं आपको बस इतना कहूंगा कि आप और भी जिन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी करते रहें। अभी वर्तमान में आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में 26,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें योग्यता भी आप सभी को पता है कि केवल 10th पास मांगी जाती है। केवल लंबाई की बात है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में 168 सेंटीमीटर लंबाई होती है
और आपकी एसएससीजीडी कांस्टेबल में 170 सेंटीमीटर लंबाई होती है। अगर आपकी इतनी लंबाई है तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि आप एसएससीजीडी कांस्टेबल में फॉर्म अप्लाई करिए। और अगर आप सिलेबस देखेंगे तो कोई ज्यादा बेसिक डिफरेंस होता नहीं है, कांस्टेबल लेवल की एग्जामिनेशन है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का, लगभग वही समान चीजें आपको पढ़नी है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है तो वो आप मैनेज कर लेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि दो अवसर आप सभी को मिलेंगे, जो वर्तमान में चल रहा है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता है। एसएससीजीडी कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक आप सभी को मिल जाती है, पूजा पब्लिकेशन की आपकी बुक आती है जिसमें चारों सब्जेक्ट आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे। डिटेल में आप सभी को ये बुक दी गई है, तो चारों सब्जेक्ट की तैयारी आप सभी की इस बुक से काफी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। लास्ट के 6 आपको पीवाईक्यू सॉल्ट पेपर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही में जब आप इससे तैयारी करते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है प्रैक्टिस करने की, तो 20 प्रैक्टिस सेट आपको पूजा पब्लिकेशन के मिल जाते हैं। ये भी आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में सॉल्यूशन के साथ दिए गए हैं, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां पे आप स्टैंड करते हैं, कौन सा टॉपिक वीक है और कैसे आपको तैयारी करनी है। तो फिलहाल आप एसएससी की जीडी कांस्टेबल की तैयारी में जुड़ जाओ। दोनों बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसे ग्रैब करो। और मैं आपको यही कहूंगा, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे थे तो अभी आप जब एप्लीकेशन फॉर्म तो आया नहीं है तो आप एसएससीजीडी कांस्टेबल में जरूर से अप्लाई करो भाई। अगर आपकी चॉइस यही है कि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही भर्ती होना है तो पहले एसएससीजीडी कांस्टेबल का एग्जाम निकाल लो, अगर वहां पे नौकरी लग जाती है इनकेस फिर उसके बाद आपकी वैकेंसी आती है तो इसमें भी फॉर्म अप्लाई कर देना। और जरूरी नहीं आप वहां से रिजाइन करके आ जाना, हमारे बैच के बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन पहले एसएससीजीडी कांस्टेबल में हो गया, फिर एसएससीजीडी कांस्टेबल के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती पहले कंप्लीट हो गई तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो सेम आपके ऊपर भी ये चीज अप्लाई होती है। तो फिलहाल प्रेजेंट में जो आपके साथ सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग देखो, क्योंकि अगर आप अपनी पढ़ाई में गैप कर दोगे, देखो वैकेंसी आ नहीं रही है और वैकेंसी नहीं आ रही है तो इससे क्या होता है, हर एस्पिरेंट का थोड़ा सा मन मर जाता है और उस कंडीशन में तैयारी करने को मन करता नहीं है, क्योंकि इतना लंबा पीरियड हो गया कि 2 साल तक लगातार कोई कंसिस्टेंसी फॉलो करके तैयारी कर ले, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि वो तैयारी आपकी वेस्ट ना जाए, इसलिए उस तैयारी को आप कहां पे लगाएं, वो लगाएं आप एसएससीजीडी कांस्टेबल में, जिससे कि आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी चलती रहेगी और एसएससीजीडी कांस्टेबल की जो वर्तमान में भर्ती चल रही है इसका भी काम हो जाएगा। बाकी का जो प्रेजेंट में सिचुएशन है यूपी पुलिस कांस्टेबल की वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। और फाइनल यही किसी से भी सुन लो, आपको ये इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी, बस इतना फर्क पड़ेगा कि कोई सीधा कान पकड़ लेगा, कोई हाथ घुमा के पकड़ लेगा, लेकिन पकड़ना कहानी है। मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा वो रियल और ऑथेंटिक दूंगा। बहुत सारे लोग आपको कोर्ट वगैरह की कहानी बता रहे थे, कोर्ट वगैरह से इस भर्ती का कोई लेना देना है नहीं, इतना आप समझ लो। और जो जो सीधा सीधा प्रोसेस है वही प्रोसेस है। भर्ती डिले होने का वन एंड ओनली रीजन है कि किसी भी एजेंसी का हायर ना होना, और कोई भी रीजन नहीं है ना किसी कोर्ट का ना किसी और चीज का। अगर आज आपकी एजेंसी हायर हो जाती है तो आज ही से आप ये मान लो कि आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी डिले देखने के लिए नहीं मिलेगा। और फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन आएगा उसके 60 दिन के अंदर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा, उसमें भी कुछ भी डिले देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो देखो नौकरी चाहिए तो तैयारी तो एडवांस में करनी पड़ेगी, और इसमें कोई द्वारा नहीं है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में अच्छा खासा इस बार कॉम्पिटिशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 2018 के बाद ये 2023 में होने वाली पहली भर्ती होगी। और देखो 2023 में तो शायद ही उम्मीद कम है, ये भर्ती शायद अब आपकी 2024 के आसपास ही निकलेगी, यानी 2024 के स्टार्टिंग के महीने जनवरी फरवरी में आपको ये देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि अभी आप देखे तो नवंबर आपका खत्म हो गया, दिसंबर में बहुत ही कम चांस है कि इतनी जल्दी आपकी कोई भी एजेंसी हायर हो जाए और वो एग्जामिनेशन वगैरह का प्रोसेस जो नोटिफिकेशन वगैरह का है वो कंप्लीट हो जाए, तो वो भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो फिर यही कहूंगा कि जनवरी या फरवरी 2024 में शायद आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी, अब तक की सबसे बड़ी भर्ती ये होने वाली है। तो तैयारी में जुटे रहिए, बाकी का जो वर्तमान का स्टेटस है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, फ्यूचर में कुछ भी अपडेट आएगी तो आप सभी को बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।